आप सभी का स्वागत है एग्जाम तैयारी पे। और हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस, समय एंड दूरी, जिसके हमने कुछ क्वेश्चन हमने पहले कर चुके हैं, तो आज क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। आपको पहले वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, मुझे विश्वास है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? एक कार 840 किमी दूरी को एक निश्चित समान चाल से तय करती है। यदि कार की चाल 10 किमी प्रति घंटे अधिक होती तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते, तो कार की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। तो आप किस तरह से इसकी वास्तविक चाल ज्ञात कर सकते हैं? 2 घंटे कम लगते, तो आपको पता है कि टोटल दूरी अपने पास ये है 840। यदि वो एक एक्स से तय करती है तब, और माइनस यही दूरी वो यदि x+10 किमी प्रति घंटे की चाल से तय करती है तब, तो कितना डिफरेंस आता है? 2 किलोमीटर का, 2 घंटे का। ठीक, तो अब आप इजीली इसे सॉल्व करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो एक तो आप एक ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं, यदि आप ऑप्शन से करते हैं तो। ऑप्शन से आपको एक पुट, मतलब यहाँ पे पुट करने पर इसका जो मान है वो और इसका जो मान है उसमें कितने का डिफरेंस रहना चाहिए? 2। तो ऑप्शन से आप कर सकते हैं इसे बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी कर पाएंगे, या फिर आप इसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो उस तरह से भी कर सकते हो, पर वैसे आपको थोड़ा टफ पड़ेगा। मैं बता देता हूँ, एलसीएम ले लीजिए x+10, ये आ जाएगा x+10 -840 x=2। ओपन कर दीजिए 840 x+840 और इंटू 10, 10 का इंटू करेंगे तो ये -840 x/x x+10 = 2। ये और ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गया। तो आप कैसे कर सकते हैं इसको? 84 और ये 2 इधर चला जाएगा, 2 के पास क्या x, x+10। तो इस 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, कितने से काट सकते हैं तो ये 4, ये 2 भी आए, इधर इंटू करा दीजिए x²+10x। आगे आप इसको सोल्व करते हैं तो x²+10x और ये 4200 इधर चला जाएगा, माइनस का आ जाएगा = 0। अब द्विघात समीकरण बन गया, इसको आप तोड़ सकते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे आप? कि एक 2 संख्याओं का गुणा करने पर तो आपके पास ये आना, प्लस माइनस करने पर तो ये आना चाहिए, गुणा करने पर क्या आना चाहिए? ये इन दोनों का इंटू। तो आप इस तरह से आप इसे तोड़ लीजिए। तो कैसे तोड़ेंगे आप, वो आपको सोल्व करना है। x² + इंटू करने पर तो ये आना चाहिए और वैसे 10x आना चाहिए, तो आप आगे ये कर सकते हैं इसको 70x -60x लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। इंटू करने पर आपके पास क्या आ जाएगा? 7 6 42 मानी 4200 x² आ जाएगा, और आप माइनस करेंगे तो आप 10x आ जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x, तो x+70। यहाँ से क्या कॉमन लें कि ये आ जाए, तो -60 आप कॉमन ले लीजिए, x+70x = 0। तो या तो x -60 आ गया, x+70 आ गया, तो या तो x का मान 60 आएगा, x का मान आ गया, और या x का माइनस में तो आ ही नहीं सकता x का मान, क्योंकि x हमने क्या मानना है, चाल ही तो मानिए, चाल कभी माइनस में थोड़ी हो सकती है, तो प्लस में, तो ये आ गया आपकी वास्तविक चाल क्या होगी। तो आपको वास्तविक चाल पूछनी चाहिए, वास्तविक चाल ये तो मानी हमने, तो ये वास्तविक चाल का मान क्या आ जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति और
तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यदि आप ऑप्शन से करते तो बहुत जल्दी कर सकते थे, ऑप्शन तो बस यहाँ पुट करना था आपको, ऑप्शन में सपोज 60, 70, 50 जो भी दे रखा है तो आप पुट करते, तो जैसे जैसे पुट करते 60 पुट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी तो ये 70 हो जाता, 60 पुट करते हैं, 0 से 0 कट जाता, 0 से 0, 6 का भाग देते इसमें तो कितने बार जाता, 14 बार, और यहाँ पे 7 का भाग देते तो 12 बार, तो डिफरेंस कितने का, 2 का, तो ये आंसर मतलब एक्स का मान 60 ही आता। तो आप इस प्रकार से इसे और भी जल्दी क्वेश्चन को कर सकते थे ऑप्शन से, वैसे कंप्लीट आप करते तो यही तरीका है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि वो 6 किमी प्रति घंटा धीरे चलता तो उसे 8 मिनट अधिक लगती, परंतु यदि वो 4 किमी प्रति घंटा तेज चलता तो उसे इतनी मिनट कम लगती। तो दूरी याद कीजिए, इसमें दो आपके पास एक समीकरण बनेंगे, इसमें आप बेसिक तरीके से करेंगे तो कैसे, एक निश्चित दूरी है क्या है, एक्स है, ये दूरी वो एक है नॉर्मल चाल वाई से तय करता है, मतलब आप लिख सकते हैं कि दूरी कितना है, एक्स मान लीजिए, चाल क्या है उसकी, वाई, ठीक। अब कैसे करना है आपको, देखो एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि वो 6 किमी प्रति घंटा धीरे चलता तो उसे 8 मिनट अधिक लगती, तो यही दूरी वो वाई में से क्या करता, 6 मिनट 6 किमी प्रति घंटे से कम से चलता तो उसे क्या समय लगता, वाई से करता उससे 8 मिनट अधिक लगती, तो 8 मिनट, मिनट को आप 60 का भाग देके घंटों में चेंज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्रति घंटा दे रखा है किमी प्रति घंटा, एक तो ये समीकरण बन जाएगा, इसको आप सोल्व करके कर सकते हैं। परंतु यदि वो 4 किमी घंटे तेज चलता, यदि वाई इस चाल से चलता, और यदि वो 4 किमी प्रति घंटे की चाल से तेज चलता तो उसे 4.5 मिनट कम लगती, मतलब ये डिफरेंस कितना आता, 4.5, तो इसको 4.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस 9 बटे 2, और इसको भी एक मिनट में दे रखा है तो इसको आप एक उसमें चेंज कर लीजिए घंटों में, तो भाग दीजिए 60 का, ये समीकरण नंबर 2। इन दोनों को सोल्व कर लीजिए और एक्स और वाई का मान निकाल लीजिए, तो आपके मध्य की दूरी एक्स है तो एक्स का मान निकालना आप सोल्व कर सकते हैं, बस इसी तरह से होगा ये कंप्लीट। फिर आप ऑप्शन से भी इनको कर सकते हैं, दोनों समीकरण में पुट करके और आप सोल्व करके वैसे चेक कर सकते हैं फटाफट आप करना हो तो, नहीं तो आप बेसिक के मेथड से दोनों को सोल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं, यदि एक समझ में आ गया तो भी कमेंट करके, और यदि आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ना है तो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे एकदम नॉर्मल आप समीकरण दी घाट समीकरण बनेंगे दो, और फिर उन दोनों को सोल्व करके आपको आंसर एक्स वाई का मान निकाल देना है। एक्स आपकी क्या है, दूरी, तो दूरी बता देनी है, चाल पूछा जाए तो वाई, इसकी मुख्य चाल वही है तो वाई बता दीजिए। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।